आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ सिमेट्रिक ज्योमेट्रिकल पॉइंट चार्ज्ड सिस्टम। तो आज का टॉपिक है स्टूडेंट हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ सिमेट्रिक ज्योमेट्रिकल पॉइंट चार्ज सिस्टम। तो यहाँ पे हम बस दो सिस्टम को स्टडी करने वाले हैं, एक तो है इक्विलैटरल ट्रायंगल और दूसरा है स्क्वायर। एंड इसमें क्वेश्चन किस टाइप का होगा स्टूडेंट, सो जैसे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है या फिर एक स्क्वायर दिया हुआ है एंड थ्री चार्जेस प्लेस्ड है जैसे इसके वर्टिसेस पे, सपोज इक्वल चार्ज है। हमें एक फोर्थ चार्ज या फिफ्थ चार्ज प्लेस्ड करना है, लेट इट बी कैपिटल क्यू, सो दैट द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। सो हमें वैल्यू ऑफ क्यू फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ क्यू फॉर विच सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। क्लियर स्टूडेंट? सो इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, एक तो इक्विलैटरल ट्रायंगल और दूसरा स्क्वायर, एंड तीनों वर्टिसेस पे या चारों वर्टिसेस पे चार्जेस प्लेस्ड है और हमें एक फोर्थ चार्ज पार्टिकल प्लेस करना है जिससे ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में। तो उस चार्ज का वैल्यू क्या होगा, उस चार्ज का वैल्यू क्या होगा। पोजीशन तो काफ़ी इजी है स्टूडेंट, पोजीशन कहाँ पे होगा, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल है सिमेट्रिक है, सो इस केस में इसके सेंटर पे होगा, मतलब सेंट्रॉइड। पोजीशन कहाँ पे होगा, इस केस में होगा सेंट्रॉइड पे एंड इस केस में हो जाएगा सेंटर पे, सेंटर पे। तो पोजीशन हमें पता है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है जिससे कि यह सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। क्लियर स्टूडेंट? सो ट्रायंगल वाला केस ही स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो थ्री इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस एंड फोर्थ चार्ज हमें कहाँ प्लेस करना होगा इक्विलिब्रियम के लिए, सेंटर पे, सेंट्रोइड पे। सो इस पे तीन चार्ज फोर्स लगा रहे होंगे, एक ये और ये। सो ये इसको रिपेल कर रहा होगा इस डायरेक्शन में विद अ फोर्स के क्यू स्क्वायर ओवर, लेट द साइड लेंथ भी ए, सो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये भी रिपेल कर रहा होगा कितने मैग्नीट्यूड से, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा स्टूडेंट, रिजल्टेंट यहाँ पे हो गए। ये सेम प्रॉब्लम हमने किया हुआ है पहले भी फोर्स कैलकुलेशन के लिए, बट आज हम इक्विलिब्रियम का कंडीशन फाइंड आउट करने वाले हैं। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अगर दोनों इक्वल फोर्स होता है तो आंसर होगा 2f cos 30 डिग्री, इसका एक कंपोनेंट और इसका एक कंपोनेंट, और ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस किया था। तो ये हो गया 2f cos 30, तो आंसर आ गया रूट 3f और f का वैल्यू कितना है, k स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सो ये दोनों मिलके इसको रिपेल कर रहे हैं इस डायरेक्शन में विद द फोर्स रूट थ्री के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो अगर इसके इक्विलिब्रियम में होना हो स्टूडेंट, सो फॉर इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये इसको अट्रैक्ट करना चाहिए, ये इसको जब अट्रैक्ट करेगा तभी इक्विलिब्रियम में हो पाएगा ये चार्ज। सो जो चार्ज हमने प्लेस किया है वो इसको अट्रैक्ट करना चाहिए और अट्रैक्शन के लिए इसका नेचर मस्ट भी अपोजिट होना चाहिए, तो क्यू का जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, सो ये डिस्टेंस मान लिया हमने x है, तो फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम, सो ये दोनों मिलके इसको रिपेल कर रहे हैं इस फोर्स से रूट थ्री के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर से, और ये इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर फोर्स से। सो दोनों जब इक्वल होगा तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम होगा। सो फॉर इक्विलिब्रियम हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। सो यहाँ से स्टूडेंट ये अननोन क्वांटिटी है एक्स, तो हमें यहाँ से फाइंड करना होगा। काफ़ी सिंपल है स्टूडेंट, वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो ये हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो ये एक्स दिया हुआ है, ये एंगल होता है 30 डिग्री, तो इसको अगर हम कंपोनेंट में डिवाइड करें तो ये लेंथ कितना आएगा, एक्स कॉस 30 डिग्री, और ये इक्वल टू है, ये हाफ है इसका, सो ये हो गया ए बाई टू। मतलब हम बोल सकते हैं एक्स कॉस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बाई टू,
that implies you get root 3 by 2 cos 30. 2 to cancel, therefore x is equals to a upon root 3. So ये distance हमें मिल गया, यहाँ पे put करेंगे और answer मिल जाएगा हमें. Okay, so proceed करते हैं इसको. You get root 3 k q square over a square, it is equals to k q q over 3 a square. इसका square करेंगे तो ये 3 ऊपर चला गया, नीचे a square. So k cancel, ये भी cancel, ये भी कैंसिल. सो यहाँ पे बचा रूट थ्री क्यू और यहाँ पे बचा थ्री क्यू, देयरफॉर क्यू इज इक्वल्स टू क्यू बाई रूट थ्री. सो मैग्नीट्यूड हो गया क्यू बाई रूट थ्री और नेचर अपोजिट, सो नेगेटिव. सो द वैल्यू ऑफ क्यू फॉर विच द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम इज दिस. तो इसको न्यूमेरिकल्स में भी कन्वर्ट करके इस कॉन्सेप्ट का यूज दे सकते हैं, या फिर इस तरह से क्यू का वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया जा सकता है. क्लियर हो गया स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो स्क्वायर के लिए, स्क्वायर के लिए या पॉज करके नोट डाउन कर लेना. सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो दूसरा एग्जांपल है वो है स्क्वायर के लिए. तो फोर इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट इट्स वर्टिसेस पॉइंट चार्जेस, सो यू गेट क्यू 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 एंड क्यू. सो इसको रिपेल कर रहा होगा इस डायरेक्शन में विद द फोर्स के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. इसको रिपेल कर रहा होगा इस डायरेक्शन में विद द सेम फोर्स के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. इन दोनों का रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन में, सो ये हो गया टू टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. सेम प्रीवियस कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, कॉस 45, दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन रूट 2. सो ये कितना आ जाएगा रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. सो ये दोनों चार्जेस और ये भी इसको रिपेल कर रहा होगा. फोर्थ फिफ्थ चार्ज जो है वो हमें सेंटर में प्लेस करना होगा इक्विलिब्रियम के लिए. सो ये भी इसको रिपेल कर रहा होगा इस चार्ज को इस डायरेक्शन में. कितने फोर्स है के क्यू स्क्वायर और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ये ए तो ये हो गया रूट टू ए. स्क्वायरिंग करने पर यह आ जाएगा टू ए स्क्वायर. सो ये तीनों चार्जेस मिल के इस चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहे हैं विद दिस फोर्स दिस प्लस दिस. सो नेट फोर्स जिससे ये रिपेल कर रहे हैं वो होगा रूट टू प्लस हाफ के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा यहाँ से. तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए ये जो फिफ्थ चार्ज हमने प्लेस किया है वो इसको सेम फोर्स से अट्रैक्ट करना चाहिए तभी इक्विलिब्रियम में होगा. सो फॉर इक्विलिब्रियम हम फिर से लिख सकते हैं दैट फॉर इक्विलिब्रियम वी मस्ट हैव के क्यू क्यू ओवर ये डिस्टेंस. अब ये डिस्टेंस लेट कर लेते हैं एक्स है तो अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये वाला फोर्स तो ये हो गया रूट टू प्लस हाफ के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. एक्स कैसे फाइंड करेंगे प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह सेम कॉन्सेप्ट है 45 तो ये हो गया एक्स कॉस 45 और ये होता कितना है ए बाई टू. सो हम लिख सकते हैं एक्स कॉस 45 मस्ट बी इक्वल्स टू ए बाई टू. सो यू गेट एक्स इज इक्वल्स टू ए बाई टू कॉस 45 एंड कॉस 45 इज वन अपॉन रूट टू. सो दिस इज इक्वल्स टू ए अपॉन रूट टू. एक्स मिल गया इस एक्स को हमें आप पुट करेंगे तो क्यू का वैल्यू हमें मिल जाएगा. तो ये हो गया के क्यू क्यू ओवर ए स्क्वायर बाई टू इज इक्वल्स टू रूट टू प्लस हाफ के क्यू क्यू ओवर ए स्क्वायर. सो यहाँ से ये के कैंसिल क्यू कैंसिल ए स्क्वायर कैंसिल. सो देयरफॉर टू क्यू इज इक्वल्स टू टू रूट टू प्लस वन अपॉन
2 into small q. That implies q is equals to 2 root 2 plus 1 upon ये 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 q. और नेचर अपोजिट होना चाहिए तभी अट्रैक्ट करेगा, सो यू गेट माइनस. सो q का वैल्यू जो है इतना होना चाहिए जिससे कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में.